नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। झारखंड के नए राज्यपाल संतोष गंगवार बुधवार को झारखंड के ग्वार में राज्यपाल के रूप में उन्होंने शपथ ली है। राजभवन में सुबह 10 बजे झारखंड उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद ने संतोष गंगवार को शपथ दिलाई। मौके पर सीएम हेमंत सोरेन, विधानसभा स्पीकर रविंद्रनाथ महतो, मंत्री मिथिलेश ठाकुर समेत कई लोग मौजूद रहे। इससे पहले राज्यपाल संतोष गंगवार ने शपथ लेने से पहले बिरसा मुंडा स्मृति पार्क में बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित की और इसके बाद उन्हें राजभवन में गार्ड ऑफ ऑनर देकर ले जाया गया। मुख्य सचिव एल खियांगते ने शपथ ग्रहण से पूर्व राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी भाषण पढ़ा। शपथ ग्रहण के बाद सीएम हेमंत सोरेन समेत कई मंत्रियों ने उन्हें फूलों का गुलदस्ता देकर शुभकामनाएं और बधाई दी। एयरपोर्ट से मंगलवार को संतोष गंगवार सीधे राजभवन पहुंचे थे। इससे पहले संतोष गंगवार को रांची पहुंचने पर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन सहित अन्य अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। राजभवन में प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी सहित अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों ने संतोष गंगवार का स्वागत किया। इससे पहले कल झारखंड के मुख्य राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से सीएम हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने मुलाकात की और उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। 75 वर्षीय संतोष गंगवार बरेली के रहने वाले हैं। इनका जन्म 1 नवम्बर 1948 को हुआ। बरेली से 8 बार सांसद रहे गंगवार केंद्र में श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सहित वित्त राज्य मंत्री, कपड़ा राज्य मंत्री और पेट्रोलियम राज्य मंत्री रह चुके हैं। संसदीय कार्य राज्य मंत्री भी रहे हैं। उन्होंने बीएससी और एलएलबी की डिग्री आगरा विवि और महात्मा ज्योतिषबा फूले रुहेलखंड विवि से प्राप्त की। देश के इमरजेंसी के दौरान ये जेल भी जा चुके हैं। 1996 में उत्तर प्रदेश भाजपा के महासचिव भी थे और इसके अलावा कार्य समिति के सदस्य भी रह चुके हैं। बरेली में इनकी ख्याति विकास पुरुष के रूप में है। बरेली में शहरी को ऑपरेटिव बैंक चेयरपर्सन भी रह चुके हैं। ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें केलांचल टाइम्स। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।